होटल ओवर देश। तो आज मैं आया हूँ SMK के ऑफिस शोरूम में, तो इसका जो एड्रेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो अभी हमारे पास जो है SMK की अल्टेरा सीरीज के हेलमेट, तो न्यूली लॉन्च है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास बेसिकली तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, तो हमने कुछ कलर्स यहाँ पे ऊपर रखे हुए। तो जो ग्राफिक्स में है उसका जो प्राइस है वो 5,900 रुपीज, एंड जो प्लेन कलर्स में है उसका जो प्राइस है वो 5,600 रुपीज। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो मैं प्लेन कलर उठा देता हूँ। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैट ब्लैक। सो आप देख सकते हो कि इसके जो लुक्स है वो कुछ ऐसा है। सो यार मतलब बहुत ही लाइट वेट है, पहली बार जो हाथ में लेने के बाद जो फील होता है वो इसका वेट। सो बहुत ही लाइट वेट, आप देख सकते हो इसका जो वेट है वो है 1300 ग्राम्स का। एंड इसका जो सर्टिफिकेशन है वो आप देख सकते हो कि डॉट सर्टिफाइड है, ECE सर्टिफाइड है, एंड ऑब्वियसली इंडिया का जो ISO सर्टिफिकेशन आता है वो भी इसके अंदर दिया गया है। बहुत ही हल्का लगता है, मैं इसको पहन के आपको बता देता हूँ कि इसके लुक्स कैसे है। इसके अंदर हमें मिलता है डी लॉक, तो आप देख सकते हो कि डी रिंग है यहाँ पे। लॉक को मैं छोड़ देता हूँ। बात करूँ इसकी पैडिंग की ना, यार बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब यार मुझे फेस पे ऐसा कुछ ज्यादा ऐसा टाइट वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, मार्क्स भी नहीं आएंगे इसके कारण। इसका जो व्यू है वो अच्छा मिल रहा है मुझे, यहाँ पे जो व्यू मिलने वाला है मुझे बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही कंफर्टेबल सा फील हो रहा है मुझे, बहुत लाइट फील हो रहा है। बात करूँ इसके एग्जॉस्ट की ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर उन्होंने एग्जॉस्ट दिया गया है, अंदर जब एयर आएगी तो पास होने के लिए यहाँ पे उन्होंने एग्जॉस्ट दिया गया है, बैक साइड पे भी दिया गया है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये रबर वाला दिया है, तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है। अंदर की पैडिंग की क्वालिटी आपको बता देता हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, एंड ये वॉशेबल, आप कम्प्लीट इसको रिमूव करके वॉश कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ऑफरोडिंग हेलमेट में वाइजर्स आते हैं, तो ऑफरोडिंग हेलमेट में जो प्रीमियम हेलमेट होते हैं उनके वाइजर नहीं आता, आपको गॉगल्स लेने पड़ते हैं। तो आप डायरेक्ट आपके चेक कर सकते हो, आप कोई भी गॉगल्स पहन सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली इतना जगह दिया जाता है वेंटिलेशन के लिए, जब भी आप ऑफरोडिंग कर रहे हो या फिर आप एडवेंचर राइड्स पे हो तभी आपको पसीना बहुत है, तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ओपन ही होता है। तो वो डिपेंड्स करता है कि आप कौन से गॉगल्स पहनते हो, उसके ऊपर है आपके ऊपर। सो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए दिया गया है, एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ पे अच्छे खासे दिए गए। बात करो इसकी पैडिंग की ना, तो आप देख सकते हो कि अंदर से पैडिंग इसकी ऐसी है, कुछ बहुत ही सॉफ्ट है पैडिंग, आप देख सकते हो। थोड़ा सा कलरफुल पैडिंग उन्होंने दिया है जिसके कारण ये थोड़ा सा क्लासी दिखता है। सामने की साइड पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिल्टर टाइप काम करेगा, सो कंकड़ वगैरह अंदर नहीं आएंगे। यहाँ पे इन्होंने एक मजबूत सा ग्रिल दिया है, जो प्लास्टिक मटेरियल तो नहीं है, ये थोड़ा सा स्टील एंड प्लास्टिक का कंपोजिट लग रहा है मुझे। और ऊपर की साइड पे ये उन्होंने दिया गया है जो फाइबर टाइप है। और हमारे पास इतने कलर्स अवेलेबल है, ये तो थोड़े क्लासिक कलर है, आपको प्लेन कलर चाहिए तो प्लेन कलर्स भी मिल जाएंगे, मैं आपको वीडियो के एंड में प्लेन कलर्स भी बता दूंगा। तो यही था कुछ आज इस ब्लॉग में, मिलता अगले ब्लॉग में।